हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएफ यूट्यूबर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त रोनी। सो वीवो ने इंडिया में और एक बेकार सा 4G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है वीवो Y35। हाँ दोस्तों, इसका अगर प्राइस को आप सुनेंगे तो आप बोलेंगे ये मोबाइल इसका प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि ये फ़ोन 18,500 रुपीज़ पर इंडिया में लॉन्च हुआ है। तो इस प्राइस को अगर कंसीडर करते हैं तो इसका जो स्पेसिफिकेशन आपको दे रहा है वो जस्टिफाई नहीं करता। एंड इस प्राइस पर वीवो Y35 लेना मेरे हिसाब से सेंस नहीं बनता है। एंड इस प्राइस पर आपको वीवो ब्रांड से ही इससे भी अच्छा फ़ोन आपको देखने को मिलता है, लाइक वीवो T144W। एंड इस वीडियो में हम लोग वीवो T144W के साथ वीवो Y35 के कंपेयर वीडियो बनाएंगे और बताएंगे दोनों में से कौन सा फ़ोन आपको बेटर देखने को मिलेगा, कौन सा फ़ोन आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करेगा एंड कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो इन सारे सवालों के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में। सो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर देखना। वीवो Y35 में आपको 6.58 इंच का आपको एक फुल HD प्लस का 90Hz पैनल वाला आपको एक IPS LCD का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसमें आपको वाटर ड्रॉप नॉच आपको देखने को मिलेगा। हाँ दोस्तों, पांच छल आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ वीवो T144W में आपको 6.44 इंच का आपको एक कॉम्पैक्ट सा डिजाइन डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको नॉर्मल 60Hz का आपको पैनल देखने को मिलेगा, लेकिन ये एक AMOLED का पैनल आपको देखने को मिलेगा। एंड इसमें भी आपको वाटर ड्रॉप नॉच आपको देखने को मिलेगा। एंड इसमें आपको 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिलेगा। सो डिस्प्ले एंड डिजाइन के मामले में नो डाउट और वीवो T144W आपको विनर है, क्योंकि मेरे हिसाब से इसमें आपको AMOLED का पैनल आपको देखने को मिलता है। भले यहाँ पे आपको 60Hz का नॉर्मल आपको स्क्रीन रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे AMOLED का पैनल आपको देखने को मिलता है वीवो T144W में। इसलिए मुझे को लगता है वीवो T144W डिस्प्ले डिजाइन के मामले में विनर है। वीवो Y35 एंड वीवो T144W इन दोनों मोबाइल पर ही आपको स्नैपड्रैगन का 680 का आपको 4G चिपसेट देखने को मिलेगा। ये दोनों चिपसेट 6nm पे बेस्ड है एंड इसका एंड्रॉइड स्कोर 2,70,000 के ऊपर इसका एंड्रॉइड स्कोर आता है, तो आपको डे टू डे लाइव यूजेस में कोई भी इशू नहीं आएगा। तो परफॉर्मेंस के मामले में दोनों मोबाइल पर आपको सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। एंड दोनों मोबाइल ही आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 12 आपको देखने को मिलेगा एंड दोनों मोबाइल पर ही आपको फंटा चॉइस 12 आपको देखने को मिलेगा। सो फंटा जो इसमें आपको एड्स ब्लूटेयर्स एंड बाग आपको देखने को मिलता है एंड आप इस ब्लूटेयर्स को इजीली डिलीट कर पाओगे, तो आपका एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस भी दोनों मोबाइल पर आपको सेम देखने को मिलेगा। वीवो Y35 में आपको 50MP का ट्रिपल रेयर कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा, 50+2+2MP का ट्रिपल रेयर कैमरा एंड फ्रंट में आपको 16MP का सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा एंड फ्रंट एंड बैक दोनों से आप 1080p पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। एंड वीवो T144W में आपको बैक पे 50MP का ट्रिपल रेयर कैमरा देखने को मिलेगा, 50+2+2MP का ट्रिपल रेयर कैमरा एंड फ्रंट में आपको 16MP का सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा एंड फ्रंट एंड बैक दोनों से आप 1080p पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर लोगे। एंड कैमरा के डिपार्टमेंट में दोनों मोबाइल सेम पोजीशन पर है, क्योंकि दोनों मोबाइल पर ही आपको 50MP का ट्रिपल रेयर कैमरा एंड फोन में आपको 16MP का सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा। तो कैमरा के डिपार्टमेंट में आपको सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा दोनों मोबाइल पर ही। सो बैटरी के डिपार्टमेंट में बताओ तो दोनों मोबाइल पर ही आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगा, उसके साथ एक दोनों मोबाइल पर ही आपको 44W की सुपर फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिलेगा। सो बैटरी एंड चार्जिंग के मामले में दोनों मोबाइल पर ही बराबरी पर है। वीवो Y35 में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ वीवो T144W में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा एंड मुझे पर्सनली इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट ज़्यादा अच्छा लगता है। वीवो Y35 का जो बेस वेरिएंट है फोन एक वेरिएंट पर इंडिया में लॉन्च हुआ है, 8GB 128GB इसका प्राइस है 18,500 रुपीज़। दूसरी तरफ वीवो T144W का बेस वेरिएंट है 4GB 128GB इसका प्राइस है 14,500 रुपीज़। तो मुझे लगता है अगर आपकी मोबाइल में वीक चिपसेट हो तो आपको ज़्यादा रैम की ज़रूरत है। मुझे लगता है आपका मोबाइल में अगर वीक चिपसेट है तो 4GB का रैम मिनिमम 4GB का रैम इनफ होता है। सो मुझे नहीं लगता आपको 8GB वाला वेरिएंट आपको ख़रीदना चाहिए। सो व्हाट इज़ माय वर्डिक्ट, तो अगर आप वीवो Y35 को देखेंगे तो लगता है लगभग 90% स्पेसिफिकेशन आपको सेम देखने को मिलता है वीवो T144W में। एंड वीवो T144W में आपको दो एक्स्ट्रा आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है, एक AMOLED का पैनल एंड दूसरा आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। एंड वीवो T144W वीवो Y35 से 4000 सस्ता है, तो मुझे नहीं लगता आपको 4000 एक्स्ट्रा पे करके वीवो Y35 लेना चाहिए, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। मुझे लगता है आपको 14,500 में वीवो T144W इसके साथ ही आपको जाना चाहिए, ये आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करेगा। सो इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको मन में कोई सवाल है या फिर आपके मन में कोई भी ओपिनियन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइबर का बटन उसे प्रेस करो और बेल आइकन को एनेबल करो। और वीडियो का थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता है तो लाइक देकर मोटिवेट करो।